मैं कहूँ भी हूँ, लेकिन रक्षाबंधन का डोर जरूरा था। मुझे पता है कि हमसे पहले आपके लिए देश की रक्षा आपका फर्ज है, लेकिन अगर समय मिले तो इस बहन से भी आपको बनवा लेना, आपकी छोटी बहन। एक सैनिक भाई को अपनी बहन के द्वारा लिखा गया खत, एक खत वाहक के द्वारा भेजा जाता है। तो भाई उस पत्र को पढ़कर अपने फर्ज के आगे इतना मजबूर होता है कि वो नहीं अपने नहीं जा सकता घर। लोग तुम्हारे खत आए से अपनी बहन का, अपनी प्यारी सी बहन का पत्र उस सैनिक को मिल गया है। अब वो पत्र वाचन करेगा। मेरे प्यारे भैया, इंडियन आर्मी ज्वाइन किए आपको 3 साल हो चुके हैं और मैं 3 साल से आज की तरह ही हमेशा घर भेजती हूँ। आप कभी घर आते ही नहीं, जबकि आपको पता होता है कि रक्षाबंधन आने वाला है। मेरी सभी सहेलियाँ मुझे ताने मारती हैं कि मेरे भैया तो हर साल मुझे अलग अलग गिफ्ट देते हैं और पता नहीं किस साल क्या गिफ्ट देंगे। और वो कहते हैं मेरे कहीं भी हो, लेकिन रक्षाबंधन पर घर जरूर आते हैं। मुझे पता है कि हमसे पहले आपके लिए देश की रक्षा आपका फर्ज है, लेकिन अगर समय मिले तो इस बहन से भी राखी बंधवा लेना, आपकी छोटी बहन। मुझे घर गए हुए 3 साल हो चुके हैं, तो मेरी बहन हर रक्षाबंधन पर 3 साल से गेल खत भेज गई, लेकिन मैं कभी घर ही नहीं जा पाता, लेकिन इस साल मैं घर जरूर जाऊंगा। मैं कभी कभी अपने परिवार को भी समझ जाना चाहता लिखकर अपनी बहन को भेजता है। पहुंचा देना, शायद वो मेरी छुट्टी की मंजूरी दे दे। ठीक है। पत्र को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है ताकि वो भाई अपनी बहन से मिलने के लिए छुट्टी उसको प्राप्त हो जाए। छुट्टी की मंजूरी मिल गई है, तीन बज जा सकते हो। छुट्टी की मंजूरी मिलने के पश्चात वाले देखो सैनिक के जीवन में कितनी परिस्थितियां, कैसे परिस्थितियां पैदा हो जाती है। छुट्टी मिलने के बाद भी घर जाना सैनिक के लिए आसान नहीं है। इसी वक्त तुम्हें वहां जाने का ऑर्डर मिला, तुम्हें सोच रहा था क्या? सोच रहे थे क्या? तो मैं घर जाने वाला हूँ दोस्त, उस घर में तो मेरी एक बहन है, लेकिन इस घर का क्या? इसकी हिफाजत के लिए यहाँ हम जंगलों में आए। सोचो अगर वो घुसपैठ के देश में घुसपैठ कर गए ना, तो पता नहीं कितनी भी बहनों से उनके भाई छीन लेंगे और कितने भी भाइयों से उनकी बहनें, और पता नहीं देश के कितने हिस्सों में वो आतंक फैलाएंगे। और तुम चाहते हो कि मैं ये सब छोड़ के घर जाऊँ? अगर मैं घर चला भी जाता हूँ और मेरी बहन को मेरी सच्चाई का पता चल जाता है कि मैं जंग छोड़ के उससे सिर्फ राखी बनवाने आया हूँ, तो क्या इसकी आंखों में मेरी इज्जत होगी? और अगर वहीं मैं जन्म लड़ता हुआ अगर शहीद भी हो गया ना, तो मेरी बहन रोएगी जरूर, लेकिन मेरे पिता को सलामी देगी और उसकी आंखों में कम मेरी शर्म नहीं इज्जत होगी। जाओ
करके वहाँ एक साल और सही माफ कर दो, कोई बात नहीं, चलो उन्हें भी बता दे हिंदुस्तान की खोज में कितना दम है। सीमा पर आतंकवादियों का प्रवेश, जंग तो चंद रोज होती है, जिंदगी